तो हेलो गाइस, तो आज मैं शहर से पढ़ के आया हूँ और मेरा हॉलीडे हुआ है, तो मैं अपने गांव आया हूँ भैया भाभी से मिलने। तो हम गांव पहुँचे, गांव इतना डेवलप हो गया है पता ही नहीं चल रहा। मैं घर के गेट पे गया तो देखा गेट पे ताला बंद है, भैया भाभी कहाँ गए। तो मैंने भैया को कॉल किया, मैंने दो बार कॉल किया, भैया कॉल नहीं उठाए थे। मैं डर गया, फिर मैं आसपास देखने गया कि कहीं भैया कहाँ है। तभी मुझे एक आंटी दिखी, आंटी के पास गया और आंटी से पूछा कि आप मेरे भैया को जानती हैं। तो बोल उन्होंने बोला हाँ वो तो अभी वेकेशन पे गए हैं। उन्होंने बोला कि तुम नए लड़के लग रहे हो और ज़्यादा इधर उधर घूमना मत, ये एक यहाँ एक चुड़ैल रहती है। तो मैंने इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, मुझे लगा मजाक कर रही है। फिर मैं घूमते घूमते देखा कि रेलवे स्टेशन इतना डेवलप हो गया यहाँ का। फिर मैंने देखा जुलाइसियम पार्क, फिर मैंने देखा उसका गेट अपने आप खुल गया। फिर मैं गेट के अंदर घुस गया, तभी मेरे एक दोस्त का कॉल आया तो मैं वहीं पे उतर गया और दोस्त से बात कर रहा था। तभी रात हो गई और मैंने देखा कुछ चमक रहा है पेड़ों के बीच में और पेड़ साइनी हो गए, पास जाने में चेंज हो जा रहे हैं, ये क्या मैजिक है। और यहाँ देखा मैंने कि एक घर, वो भी एक सुनसान जंगल के बीच में। तभी मुझे डरावनी आवाज आ रही थी और अब मुझे डर भी लग रहा था। तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और मैं वहीं मर गया।